नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रंगरेज समाज छात्रों के तत्वाधान में शाकिर शाह बाबा ईदगाह पर समाज के प्रतिभावान छात्रों ने 12वीं व 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाले कुरान हाफिज आलमकारी व उलेमाओं इकराम मदरसा तालिमुल कुरान के बच्चों सहित हज उमराह पर जाने व जाकर आने वालों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समाज के प्रतिभावान छात्रों ने 12वीं व 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों के पास होने वाले कुरान हाफिज अलीम कारी उलेमाओं इकराम मदरसा तालिमुल कुरान के बच्चों सहित हज उमराह पर जाने व जाकर आने वालों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें झालरापाटन रंगरेज समाज के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक गौरी की सदारत में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठी और समूह लोन के ब्याज की चंगुल से समाज की महिलाओं को निकालने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है और उन जरूरतमंद महिलाओं को समाज पैसों की मदद कर बिना ब्याज के लोन उपलब्ध करवाएगा। समाज शिक्षा के क्षेत्र में समाज अग्रणी बना रहे और बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव रहे, देश का नाम रोशन कर सके, बिना ब्याज की समाज हित में समाज के लिए मिनी बैंक चालू करने की घोषणा की गई है, जिसमें बिना ब्याज इस्लामी शरीयत के अनुसार व्यापारी वर्ग को जमा पूंजी पर बिना ब्याज के पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रोग्राम में नायब सदर मोइनुद्दीन चौधरी, हाजी मोहम्मद अखलाक गौरी, हाजी जाफर हुसैन, हाजी शब्बीर हुसैन अगवान, हाजी फारूक हुसैन, जाकिर भाई गौरी, हाजी मोहम्मद हुसैन खोकर ने सभी का शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। कौम को लेके आगे बढ़ सके और आज जब हम लोग इसके लिए जुड़े हैं तो इसके पीछे मकसद यही है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से महरूम है, शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, कई चीजें हैं जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। आज हमारे जो नौजवान हैं, उन्होंने एक मिनी बैंक खोलने का एक प्लानिंग किया है, जो आपके सामने ये पर्चे बांट रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बैंक का मकसद बिगर ब्याज से, जो हमारे नौजवान ब्याज से पैसे लेके अपना रोजी रोजगार करते हैं और वो रोजगार में ना तो बरकत होती है ना हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इस बैंक का मतलब ही यही है कि बिगर ब्याज से एक लोनिंग हो, लोन हो, और लोन के माध्यम से वो किस तरह अपनी तरक्की कर सके। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आप बचत खाता खुलावें और कोई एफडी करना चाहता है तो एफडी करावे। तो इसके पीछे यही है कि भाई हम कैसे इसको आगे लेकर चल सके, और इसी बारे में मैं ये